आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4 सॉल्व करेंगे, मोशन इन ए प्लेन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.1। स्टेट फॉर इच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज ए स्केलर और ए वेक्टर। हमें बताना है कि जो गिवेन क्वांटिटीज हैं इनमें से कौन सा स्केलर होगा और कौन सा वेक्टर होगा। और गिवेन क्वांटिटीज कौन कौन से हैं? वॉल्यूम, मास, स्पीड, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, नंबर ऑफ मोल, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो पहली क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर। वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है? क्योंकि वॉल्यूम में कोई डायरेक्शन नहीं होगा। मास भी क्या होगा? स्केलर। स्पीड भी क्या होगा? स्केलर। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। डेंसिटी क्या है? ये भी स्केलर क्वांटिटी है। नंबर ऑफ मोल स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड आल्सो फॉलो वेक्टर्स ला। ये वेलोसिटी जो होता है इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और वेक्टर्स ला को फॉलो भी करेगा। इसलिए वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी जैसे तीनों ला को फॉलो करेगा कि ये इसमें मैग्नीट्यूड भी है, इसमें डायरेक्शन भी है और ये वेक्टर ला को फॉलो भी करता है। वैसे ही एक्सेलरेशन भी, एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है और वेक्टर्स ला को फॉलो भी करता है। इसलिए यह वी वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये भी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4.2 सॉल्व करते हैं। पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। कुछ क्वांटिटीज के नेम दिए हुए हैं, गिवेन है, उनमें से हमें दो स्केलर क्वांटिटीज सिलेक्ट करनी है। कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं देखते हैं। 4.2, फोर्स एंगुलर मोमेंटम वर्क, फोर्स एंगुलर मोमेंटम वर्क, करेंट लीनियर मोमेंटम इलेक्ट्रिक फील्ड, करेंट लीनियर मोमेंटम इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन एवरेज वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड रिलेटिव वेलोसिटी। इतनी क्वांटिटीज गिवन है और इनमें से दो ऐसी क्वांटिटीज सिलेक्ट करनी है जो स्केलर हो। फोर्स क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आर क्रॉस पी, एल इक्वल टू, ये भी क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम जो होता है आर इंटू लीनियर मोमेंटम, ये कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। वर्क कौन सा क्वांटिटी? ए पाला स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? एफ डॉट डी, डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन होगा। करंट, करंट भी कौन सी क्वांटिटी होती है? ये भी स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता है लेकिन यह वेक्टर ला को फॉलो नहीं करता है, इसलिए करंट भी कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू एम इंटू बी वेक्टर, ये कौन सा क्वांटिटी होगा? वेक्टर। तो एक स्केलर हमको मिल गया, कौन सा? करंट। दूसरा
एक वर्क मिला, दूसरा क्या मिला, करेंट। हमें बस दो ही ऐसे क्वांटिटी में सेलेक्ट करना था जो स्केलर से, बाकी सब क्या हो जाएगा, वेक्टर्स हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.3। पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट। कुछ क्वांटिटीज दिए हैं, इनमें से हमको केवल उन क्वांटिटीज को सिलेक्ट करना है जो वेक्टर क्वांटिटीज हों। 4.3, ये क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, स्केलर। सेकेंड प्रेशर, ये भी क्या है, स्केलर। फोर्थ इम्पल्स, इम्पल्स क्या है, इम्पल्स में डायरेक्शन होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो ये कौन सा हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। टाइम, टाइम स्केलर है। पावर, पावर भी स्केलर है, क्योंकि पी इक्वल डब्ल्यू अपॉन टी। अगेन टोटल पाथ लेंथ, ये डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। इनर्जी, स्केलर क्वांटिटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, स्केलर। चार्ज भी क्या है, स्केलर। तो इन सभी क्वांटिटीज में कौन से वेक्टर क्वांटिटी हमें मिले, इम्पल्स एंड, केवल इम्पल्स ही मिला है, इम्पल्स, इम्पल्स जो होगा आई, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, एम इंटू वी वेक्टर, एम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। वी फाइनल माइनस एम इनिशियल। तो जितने क्वांटिटीज गिवेन है इनमें से केवल इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी है और बाकी सब क्वांटिटीज क्या है, स्केलर। अगेन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4.4। स्टेट विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग एलजेब्रिक ऑपरेशन विथ स्केलर और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज आर मीनिंगफुल। हमें बताना है कि जो गिवेन क्वांटिटी नीचे हैं इनमें एलजेब्रिक या वेक्टर सम मीनिंग, उनका मीनिंग होगा कि नहीं होगा, मतलब अर्थपूर्ण होंगे या नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ एडिंग एनी टू स्केलर्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एडिंग टू स्केलर। ये मीनिंगफुल तभी होगा जब दोनों स्केलर सेम टाइप के हो, मतलब डिस्टेंस को डिस्टेंस से, स्पीड को स्पीड से, 2 मीटर प्लस 2 मीटर 4 मीटर हम लोग कह सकते हैं, लेकिन 2 मीटर प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, नो मीनिंग। तो एडिंग टू स्केलर, टू स्केलर का एडिशन तभी मीनिंगफुल होगा जब वे दोनों स्केलर सेम नेचर के हों। डिफरेंट डिफरेंट नेचर के स्केलर्स को हम लोग एड नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशन। क्या हम लोग स्केलर और वेक्टर ऐड कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर को ऐड किया जा सकता है, डिस्टेंस एक्स इक्वल टू 2 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट वाई इक्वल टू 2i कैप मीटर। क्या हम लोग एक्स एंड वाई को जोड़कर कोई मीनिंग ऑब्टेन कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो जो एडिशन मिलेगा उसमें क्या चीज़ हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि एक में डायरेक्शन, एक डायरेक्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब एक स्केलर को एक वेक्टर से हम लोग एड नहीं कर सकते हैं। सी, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर। किसी भी वेक्टर का किसी भी स्केलर के साथ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर विथ
एनी वेक्टर। मल्टीप्लाई बाय एनी स्केलर विथ एनी वेक्टर, किसी भी स्केलर को किसी वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या पॉसिबल है कि नहीं है? अगर एक वेक्टर को मान लिया जाए ए वेक्टर है, इसके साथ अगर एक स्केलर का मल्टीप्लाई कर दिए टू, ए वेक्टर है, कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर, और ये क्या है स्केलर, तो एक वेक्टर को अगर एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है, टू ए वेक्टर हो जाएगा, ए स्केलर है क्या है वेक्टर है। अगेन मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, दो स्केलर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इजिली, डी मल्टीप्लाई ऑफ टू स्केलर, टू स्केलर्स को मल्टीप्लाई की, टू मीटर इंटू टू मीटर फोर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, टू मीटर इंटू टू मीटर इक्वल टू फोर मीटर स्क्वायर, तो दो स्केलर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर वो डिफरेंट नेचर के हैं तो भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर स्केलर डिफरेंट नेचर के हैं तो मल्टीप्लाई और डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। अगेन एडिंग एनी टू वेक्टर्स, टू वेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं कि नहीं? ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब उनका नेचर सेम हो, अगर नेचर डिफरेंट डिफरेंट हो तो भी हम उनको ऐड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एडिंग टू वेक्टर्स, ये मीनिंगफुल कब होगा? जब दोनों वेक्टर का नेचर सेम हो, जैसे टू आई कैप मीटर पर सेकेंड प्लस टू जे कैप मीटर पर सेकेंड, इसका मीनिंग आएगा। लेकिन अगर कह दिया जाए टू आई कैप, एक वेलोसिटी हो मीटर पर सेकेंड और दूसरा क्या एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगफुल है। नो मीनिंग। तो हम लोग वेक्टर भी तभी ऐड कर सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज को जब उनका नेचर क्या हो सेम। एफ एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, किसी वेक्टर को उसी के कंपोनेंट के साथ क्या कर दिया जाए ऐड कर दिया जाए, एडिंग ए वेक्टर टू इट्स कंपोनेंट, ऐड कर सकते हैं। मान लिया जाए अगर इधर 45 डिग्री पर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो इसका ये डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 10 cos 45 डिग्री इंटू आई कैप, तो इसके साथ हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कंपोनेंट और वेक्टर दोनों का नेचर क्या है सेम है। अगर वेलोसिटी को रिजोल्यूट करके कंपोनेंट फाइंड किया जाए तो वेलोसिटी ही मिलेगा, एक्सेलरेशन को रिजोल्यूट करके अगर हम लोग फाइंड करें कंपोनेंट तो वो एक्सेलरेशन ही मिलेगा, और इन दोनों वेक्टर का अगर नेचर सेम है तो उनका एडिशन पॉसिबल है।